मनोविज्ञान की माने तो पुरुष में प्यार का भाव जल्दी प्रकट होता है, जबकि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में प्यार जल्दी प्रकट नहीं होता। मनोविज्ञान मानता है कि महिलाएं किसी पुरुष से प्रेम करने के लिए औसतन 15 दिन का समय लेती हैं, जबकि पुरुष किसी महिला से प्रेम करने के लिए 8 से 10 सेकंड ही लेता है। हालांकि यह अलग बात है कि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा भावुक होती हैं, लेकिन उनकी भावनाएं बहुत नियंत्रित होती हैं, जबकि पुरुष अपनी भावनाओं पर ज्यादा देर तक नियंत्रण नहीं कर सकता। मनोविज्ञान कहता है कि यदि आप किसी इंसान से प्यार करते हैं, तो वह इंसान देखरेख में चाहे जैसा भी हो, लेकिन आपके लिए हमेशा परफेक्ट रहता है। साइकोलॉजी यह भी कहती है कि अगर आप किसी ऐसे इंसान से लंबे समय तक बात करते हैं जिसे आप शुरुआत में नहीं पसंद करते, तो धीरे धीरे समय के साथ साथ वही इंसान आपको पसंद आने लगता है। साइकोलॉजी कहती है कि विपरीत विचार के लोगों का प्यार लंबे समय तक टिका रहता है, जबकि समान विचार वाले लोगों का प्यार उसकी अपेक्षा कम टिकता है। ज्यादा बोलने वाली लड़कियां और कम बोलने वाले लड़कों में बहुत गहरा प्रेम होता है, और इन दोनों लोगों का जोड़ा प्रेमियों में सबसे मजेदार होता है। साइकोलॉजी कहती है कि आपके साथ जब भी कहीं प्यार का जिक्र होता है, या प्यार से जुड़ी कोई चीज देखते हैं या पढ़ते हैं, तो आपके मन में तुरंत आपके प्रियजन की छवि अथवा इमेज बनने लगती है। साइकोलॉजिक आती है कि अगर दो प्यार करने वाले लोग कुछ देर तक एक दूसरे की आंखों में देखे, तो दोनों के दिल की धड़कन एक साथ चलने लगती है। साइकोलॉजी ऑक्सीटोसिन को कडलिंग हार्मोन या लव हार्मोन के रूप में मानता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप कभी अपने प्रियजनों को गले लगाते हैं, तो ऑक्सीटोसिन का स्राव होने लगता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप परेशान हो, तो आप जिससे प्यार करते हैं उसे गले से लगाएं, इससे आपके मस्तिष्क का तनाव दूर हो जाता है।